अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक ठाक हो तो चले मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं ना क्या बनाने लगी हूँ। यह चिकन, इसको मैंने ना अच्छे तरीके से वॉश किया है, तो पौनी देखो ये इतने इतने ना पीस में बनवा के लेके आई हूँ, क्योंकि 10 मिनट के अंदर मैंने इसको ना बनाना है, पकाना है 10-15 मिनट फुल गैस के ऊपर। तो पौनी इसका देखो अच्छे तरीके से ड्रेन हो गया है। काफ़ी देर से ना मैंने इसको सिव के अंदर रखा, वॉश किया ताकि सारा पौनी निकल जाए, क्योंकि जब बनाने पे हो ना तो पौनी इसका सूखता है नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज मैं पढ़ती हूँ बिस्मिल्लाह इसके ऊपर, अंडी के ऊपर। तो अभी मैंने इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा ना ऑयल डाला है, 2 चम्मच के लगभग, ज़्यादा तेल नहीं डाला। तो बाकी ये रहे मेरे मसाले, सेम टू सेम मसाले जो नॉर्मल मैं हर चीज़ के अंदर डालती हूँ, नमक है, मिर्च है, पाकिस्तानी जीरा है, ठीक है। तो ये अब मैं सारा डालने लगी हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो 10-15 मिनट और लग जाए, सारा कुछ मैं गट्ठे ही डालूँगी, सब कुछ, कोई इसके अंदर ना ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग करके डालूँगी, कुछ भी नहीं, ये सारा गया इसके अंदर। अब क्या करूँ, ये हाथ भी ना यूज़ करना पड़ता है क्योंकि दूसरे हाथ का मसला है। तो ये है ग्रीन पेपर, धनिया, गार्लिक जिंजर का पेस्ट है इसके अंदर, ठीक है। सारे मिक्स पेपर हैं, तो धनिया भी मैंने ना अभी अभी डालूंगी, बाद में नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें जब ये कुक होंगी ना इतना इसका मज़ा आएगा अपना, और फुल गैस पर ना मैंने इसको पकाना है, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी मैं सब कुछ ना गट्ठा डाल रही हूँ आपके सामने, ठीक है। तो आ जाएं फिर मेरे साथ जी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ। तो ये देखें, ये बन के ना तैयार हो चुका है, ठीक है। अब तो ये खाएंगे राब के साथ। पूरे 10 से 15 मिनट लगते हैं, जितना आपने ना ये बोटी कम लेनी है ना तो उतना बोनलेस चिकन है, ठीक है मेरा। तो उसी उसमें ना बहुत कम टाइम लगता है बनने में, बहुत ही कम, 10 से 15 मिनट लगते हैं, फुल गैस के ऊपर आपने पकाना है। तो पाए जितना आप चीज़ों को वॉश करके खाओगे ना जितना ज़्यादा है, तो आप सोच भी नहीं सकते आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आप जितने ज़्यादा स्किनी लोग हैं ना, मैंने ये आइडिया लगाया है, वो हर चीज़ वॉश करके खाते हैं और चीज़ों के अंदर नुक्स बहुत निकालते हैं। तो नुक्स क्यों निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बुरी आदत होती है, बुरी आदत बिल्कुल भी नहीं होती, वो हर चीज़ सोच समझ अपनी सूझबूझ के साथ खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उनको दे दो वो खाते जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो इसीलिए वो हर तरफ से ना स्किनिंग है, खाते हर चीज़ है लेकिन साफ सुथरी करके खाते हैं। तो मिलती भी है ना बाहर से, पैकिंग के अंदर आती है साफ सुथरी चीज़, तो फिर भी वो उनकी कोशिश होती है कि हम घर में आए लेके आए ना, तो उसको फिर अच्छे तरीके से वॉश करें अपनी तसल्ली के साथ ना, वो खाते हैं तो उनका वेट बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाता, बिल्कुल भी। तो जितने ये मोटे ताज़े बंदे हैं ना, तो ये कुछ भी इनको दे दो ये खाते रहते हैं और वेट इनका ऊपर जाता रहता है। तो फिर बोलते हैं पता नहीं हमारा वेट कैसे चला गया, बाहर का भी खाओगे घर का भी खाओगे एक ही टाइम में, तो पेट है भाई हमारा कोई खू तो नहीं है ना कि वो बढ़ेगा नहीं, वो तो बढ़ ही गए। और ख़ास तौर जो बैक साइड है बहुत ज़्यादा ना जल्दी बैक साइड बढ़ती है, तो इसीलिए आपने रखना अपना ध्यान। और ये 2-3 बातें मेरी प्लीज़ याद रखना, ठीक है। कुछ लोग मीट को वॉश बिल्कुल भी नहीं करते कि नहीं दुकानदार जो हैं वो हमें वॉश करके देते हैं। अरे भाई वो क्या हमारे सगे हैं, रिश्तेदार हैं जो हमारे बारे में सोचेंगे, उनका काम होता है मीट बनाना अच्छे तरीके से और हमको देना फ्रेश मीट, ठीक है। वॉश वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो ओके जी, खुदा हाफ़िज़। लाइक और शेयर ज़रूर करना और बताना मुझे ज़रूर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।